हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल लैटिस टू एफसीसी लैटिस, दैट इज़ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको दो टॉपिक करवा चुकी हूँ कि जिसमें हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस सिंपल क्यूबिक का पढ़ा है और एक हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज़ अ बीसीसी, एक है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं रेसिप्रोकल लैटिस टू एफसीसी लैटिस। देखिए, हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे एक क्यूब बना रखा है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी, अब मैंने क्या किया, फेस सेंटर्ड का मतलब आपका पता है कि क्या होता है कि सभी के सभी एटम्स मेरे पास एक तो कॉर्नर के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है, और दूसरा हमारे पास उनके सभी के फेसिस के ऊपर लाई करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये जो मेरे पास ये वाला फेस दिख रहा है, इस फेस का हमारे पास मैंने कहा एटम एक तो इस फेस के ऊपर है, जो ये वाला फेस दिख रहा है इस फेस का एटम यहाँ पर है, और जो ये वाला फेस दिख रहा है हमारे पास इस फेस का एटम मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। हम इसको मान रहे हैं ओरिजिन। तो अभी के लिए हमें इन तीनों की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि सबसे नियरेस्ट हमारे पास ये तीनों ही हैं। अब जैसे कि अगर आप बात करें, देखो इसका भी होगा हमारे पास, ठीक है, उस तरह से इसका भी होगा हमारे पास, ठीक है। अभी फिर इस तरह से हमारे पास इसके पीछे वाला फेस का भी लेंगे। अभी हमें सिर्फ एक बार इन तीनों पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें तीन वैल्यू निकालनी है ए बी और सी। तो ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, मान लीजिए ये मेरे पास है, एक है ए वेक्टर और यहाँ से ये मेरे पास है बी वेक्टर और यहाँ से ये हमारे पास है सी वेक्टर। तो एज इट इज स्टूडेंट, सेम जैसे हम पिछले दो आर्टिकल्स में करते आ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको उन फॉर्मूले में अंदर पुट कर देंगे जहाँ से हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। देखिए, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है मेरे पास जेड एक्सिस। देखो, सबसे पहले हमें लिखना है ए वेक्टर। देखिए कैसे लिखेंगे इस ए वेक्टर को। अब हम ए वेक्टर के लिए सिर्फ एक प्लेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, ये एक प्लेन है। तो इस प्लेन के अंदर आपके पास क्या क्या लाई कर रहा है, एक्स और वाई, मतलब आई कैप और जे कैप। जैसे मैंने बताया था, फुल के लिए हम नहीं है, इसको हाफ स्टडी करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया था बीसीसी में। तो अगर किसी को इसमें भी डाउट हो कि हाफ क्यों लिया, मैंने बीसीसी में एक्सप्लेन कर रखा है, आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। तो देखिए, ए बाय टू, सिर्फ एक प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन में हमारे पास क्या होगा, ये मैं इसको लिख दूंगी आई कैप प्लस में जे कैप। उसी तरह से देखिए बी वेक्टर, अगर मुझे लिखना है बी वेक्टर के अंदर, बी वेक्टर के लिए सिर्फ एक ये वाला एक सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इस फेस की बात कर रहे हैं, तो इस फेस में कौन कौन से दो वेक्टर हैं, वाई और जेड, तीसरी कोई एक्सिस हम नहीं लेके चल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बाय टू, ये हो जाएगा हमारे पास जे कैप प्लस में के कैप। तो सी वेक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा, आप लिख देंगे स्टूडेंट, दैट इज़ अ ए बाय टू, एक प्लेन की बात करेंगे, इस प्लेन में मेरे पास कितना है एक्स और जेड, तो कितना हो जाएगा आई कैप प्लस में के कैप। तो देखिए स्टूडेंट, जिन भी बच्चों ने लास्ट वीडियो अगर देखी हो, तो लास्ट वीडियो में मैंने, अगर आपको बताऊँ, हम लोगों ने जो लास्ट जो टॉपिक था वो हम लोगों ने कुछ यहाँ पे आके ख़त्म किया था। देखिए, मैंने कहा था हमने बीसीसी के अंदर जो हमने निकाला था, देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी सी ये निकाला था मैंने, ठीक है। तो इसमें हमारे पास है टू पाई बाय ए आई कैप प्लस में जे कैप। अगर आप ध्यान से एफसीसी का स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्टडी करें, तो देखिए क्या फ़र्क है। यहाँ भी देखिए डायरेक्शन, देखिए सेम है, आई कैप प्लस जे कैप आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर जे कैप प्लस के कैप जे कैप प्लस के कैप प्लस आई कैप प्लस के कैप। इसीलिए मैं कह रही थी कि हमारे पास बी सी सी में हमारे पास डायरेक्ट लैटिस में तो था ये, और बी सी सी में डायरेक्ट लैटिस में ये था, और बी सी सी का रेसिप्रोकल हमें ये मिला, और बी सी सी का जो रेसिप्रोकल मिला है वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में एफ सी सी का डायरेक्ट लैटिस है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि बी सी सी का जो रेसिप्रोकल जैसे स्टडी करेंगे, तो बी सी सी का रेसिप्रोकल क्या बन जाता है, एफ सी सी। अब आप देखेंगे, जो एफ सी सी को हम जब आगे स्टडी करेंगे, तो एफ सी सी का रेसिप्रोकल आपके पास क्या बन जाएगा, बी सी सी, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो बहुत ही आसान है, मैंने आपको ए बी और सी की वैल्यू बता दी। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको दो आर्टिकल्स में दोनों वीडियो सेक्शन में बता चुकी हूँ, तो बार बार एक चीज़ नहीं करेंगे। तो देखिए देखिए, मैंने लिख दिया एफ सी सी के लिए, देखिए मैंने क्या लिख दिया, मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिख दिया, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, ये हमारे पास है रेसिप्रोकल लैटिस का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी निकालना है, जिसके अंदर वॉल्यूम कॉमन है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो देखिए, तब सबसे पहले मैंने निकाला बी क्रॉस सी,
किस तरह से कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, और इस तरह से देखिए बी क्रॉस सी निकाल लेंगे, आपके पास आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप। ये सारा हम स्टूडेंट्स ना पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं हम, ठीक है। तो फिर आप देखिए ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ये कुछ आप इस तरह से निकाल लेंगे तो वॉल्यूम आ गया आपके पास ए क्यूब बाई फोर। फिर देखिए कैसे निकालेंगे, बस वैल्यू पुट करना, देखिए टू पाई पी क्रॉस सी निकाल लिया, ये मैंने वैल्यू पुट कर, देखो आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप इंटू में ए स्केयर बाई फोर, और वॉल्यूम आ गया ए क्यूब बाई फोर, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे। तो देखिए कैपिटल ए आ जाएगा टू पाई बाई ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसी तरह से स्टूडेंट आप बी वैक्टर सी वैक्टर भी निकाल लेंगे। अब मैं आपको कंक्लूजन बता रही हूँ, हम एफ सी सी में देखो ये तीनों साइड्स तो हम लेकर चले थे जो कि मेरे पास थी डायरेक्ट लैटिस के अंदर, और हम कहाँ पहुँच गए, हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, मतलब मेरे पास कैपिटल ए वेक्टर ये निकलाया। अगर स्टूडेंट्स अगर अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करें ना, अगर जो हमने जो बी सी सी निकाला था ये जो निकला है ना, ये हमारे पास बी सी सी का डायरेक्ट लैटिस निकल गया। ये देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये देखिए ये मेरे पास बी सी सी का डायरेक्ट लैटिस निकले हुए हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ से पता लगा कि बी सी सी का रेसिप्रोकल लैटिस एफ सी सी बन जाएगा। और इसी तरह से आप क्या करेंगे, जैसे आप एफ सी सी का जो आपने स्टडी किया एफ सी सी में, आप जैसे ही आपने ए निकाला तो ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी सी सी में। इसी तरह से आप बी और सी स्टूडेंट्स अपने आप निकाल लेंगे। सारी कैलकुलेशन यहाँ पर कर रखी है, आप इसको देख लेंगे। सिमिलरली बी और सी मैं आपको नहीं निकलवा रही हूँ, आप खुद अपने आप इसको कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है, हमें हमारे पास आज हमारा जो सेकंड यूनिट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, वो आज मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको। तो स्टूडेंट्स सारी के सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगी, आपको किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स हो तो सेकंड यूनिट सारे टॉपिक्स इसमें हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें नेक्स्ट यूनिट। ओके थैंक यू।